तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के वाई सीरीज के अंदर आने वाले और एक न्यू 5G स्मार्टफोन के बारे में, जिसका नाम रहेगा वीवो Y20HS 5G स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन के दोस्तों काफी सारे लीक्स निकल के सामने आ चुके हैं और दोस्तों ये स्मार्टफोन अब बहुत ही जल्दी लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में जानने वाले है की इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको क्या स्पेक देखने को मिलेगा, कौन सा प्राइस पॉइंट में लॉन्च किया जाएगा और दोस्तों कब तक देखने को मिलेगा लॉन्च होते हुए। सभी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसी के साथ ही गए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीवो Y20HS 5G स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो दोस्तों, डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इस वाली सेप के अंदर दोस्तों डुअल लेयर कैमरा सेटअप के साथ में फ्लैश लाइट की सपोर्ट दी गई है। वहीं पर दोस्तों फ्रंट साइड में वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, डिजाइन को लेकर ओवरऑल ये स्मार्टफोन बढ़िया होने वाला है। और अगर दोस्तों डिजाइन के बाद में बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है 6.56 इंच की HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले, जो कि दोस्तों 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है और दोस्तों 840 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट वॉचिंग वगैरह ज्यादा करना पसंद है तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्प्ले बढ़िया दिखने को मिल जाता है। और दोस्तों आगे बढ़कर बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6 नैनोमीटर पर बना मीडियाटेक डायमेंसिटी 6003 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसकी दोस्तों एंटीटू स्कोर 4.5 लाख के करीब निकल के आता है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आप गेम वगैरह आराम से प्ले कर पाएंगे। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं रैम ब्रांड के बारे में, तो ये स्मार्टफोन दोस्तों दो रैम ब्रांड के साथ में आने वाला है, 6GB और 8GB। वहीं पर दोस्तों स्टोरेज ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो 128GB से लेकर 256GB तक दोस्तों स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको LPDDR4X रैम टाइप और UFI 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी। और दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन A14 के साथ में आने वाला है, पंटो चोर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको डुअल लेयर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें से दोस्तों 50 MP प्राइमरी कैमरा, इसके अलावा दोस्तों सेकेंडरी कैमरा 2 MP का होगा। वहीं पर दोस्तों सेल्फी कैमरा 8 MP का दिया गया है, जैसे दोस्तों आप डेटा क्वालिटी के सेल्फी और वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकेंगे। और दोस्तों इसके प्राइमरी कैमरा और इसके सेल्फी कैमरा से 1080p 30 FPS तक वीडियो कॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों कैमरा को लेकर यह स्मार्टफोन डिजाइन होने वाला है। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5000 mAh की बैटरी दी जाएगी, जिसे चार्जिंग करने के लिए 15W की फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों बैटरी और चार्जिंग को लेकर ये स्मार्टफोन डिसेंट होने वाला है। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं उधर फीचर के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों साइड माउंटेड सेंसर, NFC का सपोर्ट, 3.5 वाट जैक, सिंगल स्पीकर, IP54 की दोस्तों रेटिंग देखने को मिलेगी। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों फोन के प्राइसिंग 15,000 के अराउंड देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इस प्राइस में देखा जाए तो वीवो की तरह से डिसेंट स्मार्टफोन होने वाला है वीवो Y20HS 5G स्मार्टफोन। और दोस्तों ये स्मार्टफोन जुलाई के एंड तक देखने को मिलेगा लॉन्च होते हुए इंडियन मार्केट में। बाय द वे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस फोन को लेकर, अपने राय कमेंट पर जरूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपसे का बहुत बहुत शुक्रिया।